असलाम डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ टूडे ऑन फ्राइडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन नंबर फोर फॉर क्लास थर्ड इंग्लिश बुक एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द शिप ऑफ द डेजर्ट बच्चों आपकी इस लेसन का नाम है द शिप ऑफ द डेजर्ट शिप का माना है जहाज और डेजर्ट रेगिस्तान को कहते हैं अब द शिप ऑफ द डेजर्ट शिप ऑफ द डेजर्ट किस रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं यह हम आपके इस लेसन में पढ़ेंगे लाइन शेर को कहते हैं रोरिंग शेर ने दहा, शेर दहाड़ मारते हुए शेर ने दहाड़ मारते हुए कहा हु आर यू तुम कौन हो शेर किसको बोलता है ये अपने गुरगुराते हुए कहता है कि तुम कौन हो कैमल लुकिंग डाउन एट द लाइन ये किसको बोल रहा था कैमल को किसको बोल रहा है कि ऊंट को कैमल लुकिंग डाउन एट द लाइर अब ऊंट ने शेर की तरफ नीचे देखकर कहा आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट लाइन ने घुराते हुए कैमल से कहा कि तुम कौन हो अब कैमल इसको बोल रहा है कि आई एम शिप ऑफ द डेजर्ट मैं रेगिस्तान का जहाज हूं हु इसको कौन बोल रहा है ऊंट शेर को कि तुम कौन हो मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ पर तुम कौन हो लाइन डोंट यू नो मी शेर ने इसे कहा तुम मुझे नहीं जानते हो लाइन शेर किसको बोलता है कैमुल को डोंट यू नो मी क्या तुम मुझे नहीं जानते हो आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट मैं जंगल का राजा हूं ये कौन बोल रहा है लाइन किसे बोल रहा है कैमुल से कि आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट मैं जंगल का राजा हूं फॉरेस्ट जंगल कैमल आर यू ओ आई सी अब शेर इसको बोल रहा है कैमल uh, ने इसकी तरफ देखते हुए कहा ऐसा क्या ऐसा क्या हो सकता है ओ आई सी लाइन फ्रोविंग यू कॉल यूर सेल ऑफ द शिप ऑफ द डेजर्ट शेर को गुस्सा आया लाइन फ्रोविंग यू कॉल यूर सेल ऑफ द शिप ऑफ द डेजर्ट इसने कैम्बल की तरफ देखते हुए कहा कि इसने शेर ने गुस्से से कैबल की तरफ देखते हुए कहा तुम अपने आप को कैसे कह सकते हो कि तुम राजस्थान का जहाज हो हाउ कैन यू बी ए शिप यू आर एने ना, तुम जहाज़ कैसे हो सकते हो तुम तो एक जानवर हो तुम तो एक जानवर हो कैमल स्माइलिंग सो आई एम बट पीपुल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट ऊंट ने मुस्कुराते हुए कहा कैमल स्माइलिंग ऊंट ने मुस्कुराते हुए कहा सो आई एम हां मैं जानवर बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट पर लोग मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं जंगल का रेगिस्तान का जहाज आई कैन वॉक एकर द डेजर्ट इवन ऑन ए हॉट आफ्टर नून आफ्टरनून दोपहर हॉट आफ्टरनून क्या हो गया तेज गर्मी में तेज गर्मी दोपहर की तेज गर्मी हॉट आफ्टरनून दोपहर की तेज गर्मी आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन ए हॉट आफ्टरनून मैं रेगिस्तान में दोपहर की तेज गर्मी में भी चल सकता हूँ ये कौन बोल रहा है कैमल किसको बोल रहा है ऊंट को कैबल ऊंट किसको बोल रहा है शेर को बोल रहा है कि मैं दोपहर की तेज गर्मी में भी रेगिस्तान में चल सकता हूँ द सैंड बर्नस बट इट डज नॉट डर मी रेत बहुत गर्म होता है रेत बहुत गर्म होता है मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ऊंट बोल रहा है कि रेत बहुत गर्म होता है मगर मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइन आई कांट बिलीव इट शेर बोलता है लाइन अब शेर बोलता है आई कांट बिलीव इट कि मुझे यकीन ही नहीं होता है कि बिलीव क्या हो गया यकीन इसको ये भरोसा ही नहीं होता है कि सच में क्या वो तेज गर्मी में भी रेगिस्तान में चल सकता है कैमल कैन यू वॉक अक्रॉस ए डेजर्ट कैन यू वॉक अक्रॉस ए डेजर्ट अब कैमुल ऊंट शेर से पूछता है क्या तुम डेजर्ट में चल सकते हो क्या तुम डेजर्ट में चल सकते हो लाइन ब्लिंकिंग नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट लाइन ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग शेर ने अपनी पल के नीचे कहकर कर बोला शेर ने अपनी पल के ब्लिंकिंग अपनी पल के नीचे करना शेर ने अपनी पल के नीचे करके बोला मैं तो नहीं चल नो आई कैन मैं तो नहीं चल सकता मैं तो नहीं चल सकता बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट बट आई कैन रन इन हाँ मैं जंगल में बहुत तेज दौड़ सकता हूँ कौन बोल रहा है शेर किसको बोल रहा है कैमल से कैमल इसको बोल रहा है कि आप डेजर्ट में चल सकते हो लाइन बोल रहा है कि नहीं मैं तो जंगल में तेज दौड़ सकता हूँ मगर रेगिस्तान में नहीं चल सकता हूँ कैमल विथ डिस एवरी एनिमल कैन डू डेट आप कैमल ने कहा आप कैमल ने कहा वो तो हर जानवर कर सकता है वो तो हर जानवर कर सकता है आई एलून कैन रन ऑन ए सेंड मैं अकेला हूं जो रेत पर दौड़ सकता हूं मैं अकेला कौन कैमल जो अकेला, मैं रेत पर दौड़ सकता हूँ आई कैन रन ऑन सेंड एट ट्वेंटी फाइव किलोमीटर एन आवर मैं रेत पर लगभग लगभग पच्चीस किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता हूँ ये कैमल बोल रहा है अच्छा अल्लाह हाफिज़ इसको लर्न कर लेना बेटा घर में पढ़ लेना इसको कहीं पे अगर प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को देख के इसको घर में पढ़ लेना अच्छा